नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन किया जाता है गोरवी लाइव एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। एक बार आपको फिर से सूचित कर दिया जाता है कि हमारी आज कंप्यूटर की अगली लाइव क्लास रहेगी सीपीयू की। सीपीयू से बात करें कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप खुद चेक करके देख लेना कि जितने भी एसएससी के एग्जाम या फिर जितनी भी राजस्थान की भर्तियां हैं जिनमें कंप्यूटर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वहां पर मेन टॉपिक एक रहता है हमारा सीपीयू का। एक कल हमने पढ़ी थी आउटपुट डिवाइस, वहां से भी प्रिंटर और मॉनिटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनपुट डिवाइस से तो बहुत से क्वेश्चन ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और कीबोर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं सीपीयू की। पहली बात तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो याद रखना सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अधिकतर बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर सेंट्रल आएगा कि सेंटर आएगा, और अपना एक नंबर जो है वो इस छोटी सी एक गलती की वजह से कट जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आई बात समझ में? उसके बाद ये सीपीयू काम क्या करता है, सीपीयू का कार्य क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आईपीओ प्रणाली के ऊपर काम करता है। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रणाली के ऊपर काम करता है, जिसमें से आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो हमारा इनपुट है उस इनपुट को काम देने का काम करती है इनपुट डिवाइस। और कौन सी इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, हमारा ओसीआर, ओएमआर, हमारा माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सारे के सारे डिवाइस जो हैं वो इनपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं। या फिर हमने पढ़ा था कि वे सारे डिवाइस जो कंप्यूटर को समझाने योग्य, उन सारे डिवाइसों को आप बोलते हो इनपुट डिवाइस। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो सीपीयू है वो सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेस करता है जितनी भी हमने इनपुट डाली है कंप्यूटर के अंदर, उस इनपुट को डिकोड करता है। डिकोड अपनी भाषा में करता है बाइनरी भाषा, हम कीबोर्ड से इंग्लिश हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हैं, और उस हिंदी और अंग्रेजी के वर्डों को सीपीयू 0 और 1, यदि हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर, और यदि हमें आवाज के रूप में आउटपुट चाहिए तो हमारे स्पीकर, और यदि हमें उच्च क्वालिटी का प्रिंट आउट चाहिए तो आपने पढ़ा था वहां पर प्लॉटर काम में लिया जाता है। तो यहां से याद रखना कि जो हमारा सीपीयू होता है वो सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो याद रखना पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, तो आप बता देना सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं। चलते हैं आगे, और क्या करता है, तो आप बता देना कोडिंग व डीकोडिंग का काम करता है, कोडिंग व डीकोडिंग का काम करता है। कोडिंग डीकोडिंग जैसे
जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर डाला नाम गोडवी, कीबोर्ड से आपने एक नेम इनपुट किया गोडवी, तो जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर इस गोडवी भाषा को नहीं समझ सकता, इस गोडवी वर्ड को नहीं जानता। इस कारण जो हमारा सीपीयू, वो सीपीयू इस गोडवी को पहले जीरो और एक इस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी गोडवी नाम को डिकोड करेगा जीरो तथा एक के ऊपर। जीरो और एक के ऊपर डिकोड करने पर इनके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें अपना रिजल्ट दिखाता है मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर के रूप में, यानी आउटपुट डिवाइस के रूप में हमें अपना रिजल्ट दिखाता है। आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? यानी कि हमारी आवाज आपको प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है। इतने ही बेहतरीन और शानदार प्यार और मोहब्बत के साथ इन बातों को समझने का प्रयास करना। जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करता है, कोडिंग तथा डिकोडिंग का काम करता है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि सीपीयू जो है वो इनपुट तथा आउटपुट के बीच की कड़ी, इनपुट तथा आउटपुट के बीच की कड़ी होती है। कितनी बातों को याद रखना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोडिंग डिकोडिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, इनपुट व आउटपुट के बीच की कड़ी कौन होती है, तो आप बताओगे सीपीयू। इसके अलावा क्या याद करना है अपने को, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप बता देना सीधा सीधा कि जो कंप्यूटर का दिमाग है वो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। इतनी बात याद रखना। उसके अलावा यदि कोई पूछ ले आपको कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आप बता दोगे कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल शून्य होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर समझने की शक्ति नहीं होती, कंप्यूटर खुद से कोई भी बात नहीं समझ सकता। जो जो हम उसे इनपुट देते हैं कंप्यूटर तो केवल उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देने का काम करता, और वहां से आपने पढ़ लिया इनपुट देने का काम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस करने का काम सीपीयू, और आउटपुट देने का काम हमारी आउटपुट डिवाइस करते। इस कारण जो सीपीयू है इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सीपीयू कोडिंग तथा डीकोडिंग करने का काम करता। चलते आगे, फिर हम बढ़ते हैं, जितने भी हमने डिवाइस पढ़ी थी उनके पार्ट्स पढ़े थे, तो देखना क्या यहां से भी सीपीयू के भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, तो याद रखना दोस्तों सीपीयू के तीन भाग होते हैं, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला भाग जिसे आप नाम देते हैं
ALU। दूसरा वो भाग जिसे आप नाम देते हो CU, और तीसरा वो भाग जिसे आप नाम देते हो MU। ठीक है, अच्छे से ध्यान दे लेना कि जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के CPU के तीन भाग होते हैं। पहला भाग ALU, दूसरा भाग CU और तीसरा भाग MU। फुल फॉर्म ऑफ ALU तो बता देना आप, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पूछा जाता है आपसे कि ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बता देना ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद में CU, फुल फॉर्म ऑफ CU, तो आप बताओगे CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और तीसरा MU, फुल फॉर्म ऑफ MU, MU का पूरा नाम, तो आप बता देना कि MU का पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सुमित पुनिया ALU CU मेमोरी यूनिट, शाबाश। सुमित पुनिया ने बताया कि जो हमारे CPU होते हैं उस CPU के तीन भाग होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा भाग होता है MU मेमोरी यूनिट। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जिनको CPU के बारे में अच्छे प्रकार से समझना है और वहां के सारे क्वेश्चन सही करने, तो जल्दी से इस लाइव क्लास को आप शेयर कर दीजिए। अपना एक क्लिक से कुछ जाता नहीं, और क्या पता सामने वाले को इससे एक सरकारी जॉब मिल जाए। ठीक, उसके बाद में देखना कि ये पार्ट काम क्या क्या करते हैं। पहला भाग ALU, नाम से पता चलता है अर्थमेटिक यानी अंक गणित, और लॉजिक यानी तर्क शक्ति, यानी अंक गणित तथा तर्क शक्ति वाली सारी गणनाएं जो हैं वो कौन करता है, तो आप बताओगे हमारा ALU इन सारी गणनाओं को पूरा करता है। मैथमेटिक्स तथा रीजनिंग वाली सारी जो गणनाएं हैं उन सारी गणनाओं को ALU करता है। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल से नाम ही पता चलता है किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपने वश में रखना, यानी जो आप इनपुट के रूप में डेटा देते हो उस डेटा को कहां लेकर जाना है, कौन से एड्रेस पर लेकर जाना है और कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। हमने बताया था कि जो आप इनपुट के अंदर देते हो गणनाएं, उन्हें कहा जाता है डेटा। ठीक, और यदि इस डेटा के ऊपर प्रोसेस हो चुका है, ये डेटा हमारे समझने लायक बन चुका है, तो इस डेटा को आप नाम देते हो इंफॉर्मेशन। ठीक, सी यानी कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है कि हमें कौन सा डेटा ALU को देना या फिर कौन सा डेटा हमें सीधा मेमोरी के अंदर देना। यानी यदि हमने कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट किया, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करने की आवश्यकता है, तो हमारा ये कंट्रोल यूनिट उस डेटा को ALU के पास भेज देता है। यदि उस डेटा के ऊपर प्रोसेस नहीं करना है तो उस डेटा को मेमोरी यूनिट के पास भेज देता है। आई बस समझ में, याद रखना कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कोई भी डेटा हो, उस प्रत्येक डेटा का एक निश्चित एड्रेस होता है। भाई हम इस पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं तो हमारा भी एक निश्चित एड्रेस है कि नहीं, हमारा शहर, हमारा गांव, यानी हमारे घर के नंबर होते हैं, वही हमारा एड्रेस। उसी प्रकार इस डेटा का भी एक एड्रेस होता है कि कौन से एड्रेस के ऊपर किस डेटा को रखना, इन सारी बातों को ध्यान रखने का काम करता है
कंट्रोल यूनिट। यदि उस डेटा के ऊपर हमें प्रोसेस नहीं चाहिए, सीधा हम समझ सकते हैं, तो हमारा सीयू उस डेटा को एमयू यानी मेमोरी यूनिट के पास भेज देता है। नितेश बड़सरा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटे। उसके बाद देखना एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आया कि जोड़ तथा बाकी, बाकी का मतलब माइनस, कि प्लस तथा माइनस की गणना कौन करता है, प्लस तथा माइनस यानी जोड़ तथा बाकी के ऊपर प्रोसेस कौन करता है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए। पहला ऑप्शन रखा गया सीपीयू, दूसरा ऑप्शन रखा गया एएलयू, तीसरा ऑप्शन रखा गया एयू और चौथा ऑप्शन रखा गया एलयू। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर कमेंट कर देना कि जोड़ तथा बाकी, प्लस तथा माइनस की गणनाओं के ऊपर प्रोसेस करने का काम कौन करता है। चार ऑप्शन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा एयू अर्थमेटिक यूनिट और चौथा होता है एलयू लॉजिक यूनिट। जल्दी से अपने आंसर बताना दोस्तों कि जोड़ तथा बाकी की गणना कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है या फिर हमारा एएलयू या फिर एयू या फिर हमारा एलयू। तो आप सीधा सीधा बता देना कि जोड़ तथा बाकी इन गणनाओं को करने का काम एलयू करता है, लॉजिक यूनिट करता है। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर कि हमने यहां पर पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पहला पार्ट हमने पढ़ा था एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। अब देखना इस एएलयू के भी दो भाग होते हैं, एक भाग होता है एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा भाग होता है इसका एलयू लॉजिक यूनिट। इसमें से एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट जो है वो केवल और केवल मैथ यानी नंबर्स की गणना करता है। AU यानी अर्थमेटिक यूनिट जो है वो केवल और केवल नंबरों की गणना करता है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा लॉजिक यूनिट, लॉजिक यानी तर्क शक्ति, ये वाला पार्ट लॉजिकल गणना ही करता है। और लॉजिकल का मतलब कौन बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके इक्वल है। यानी आप रीजनिंग में पढ़ते हैं कि यदि राम श्याम से छोटा है और श्याम जो है वो कृष्णा से बड़ा है, यानी वहां पर आपको लॉजिक लगाना और इस लॉजिक की गणना कौन करता है, एल यू लॉजिक यूनिट करता है। इस एयू अर्थमेटिक यूनिट, ये एयू केवल और केवल मैथ के ऊपर गणना करता है, याद रख लोगे। उसके बाद दो नंबर का सी यू कंट्रोल यूनिट, सीयू क्या काम करता है तो आप बताओगे, जो कंट्रोल यूनिट है ये कंट्रोल यूनिट डेटा को भेजने का काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा को भेजने का काम करते हैं। डेटा को कहां भेजती है सर,
आप बताओ कि ये डेटा को या तो एएलयू के पास भेजती है या फिर डेटा को मेमोरी यूनिट के पास भेजने का काम करती है, याद रख लोगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? तो आप बता देना कि कंप्यूटर का जो दिल है वो कंप्यूटर का दिल किसे कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है? तो आप बता देना कंप्यूटर का दिल सीयू कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाता है। क्वेश्चन क्या पूछे जाता है? पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन और कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप बता देना सीपीयू को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिल हार्ट और कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप बता देना कि कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। तीसरा भाग अर्थमेटिक गणनाएं कौन करता है? तो आप बता देना सर एयू करता है। अगला भाग, अगला क्वेश्चन लॉजिक गणनाएं यानी तर्क शक्ति वाली गणनाएं कौन करता है? तो आप बताओगे सर एलयू लॉजिक यूनिट करता है। आप बताओगे डेटा को लाने और ले जाने का काम कौन करता है? तब आप बताओगे डेटा को लाने और ले जाने का काम कौन करता है? सीयू कंट्रोल यूनिट भेजने का काम करता है। और एक बस होती है, एड्रेस बस भी होती है, कंट्रोल बस होती है, डेटा बस होती है, उनके अंदर जाकर डेटा आगे जाता है। मेमोरी यूनिट, इसको बड़ी डिटेल से पढ़ना है, बार बार पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी प्राइमरी है और कौन सी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का काम करती है। इतना पढ़ लिया, आगे चलते हैं। आगे पूछा जाता है कि सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी आप एक सीपीयू किसे कहते हैं? तो आपने एक बार, कई बार जब कंप्यूटर खोला होगा तो आपको एक बॉक्स दिखाई देता होगा, आता है? इस बॉक्स के अंदर कई खांचे लगे होते हैं और अंदर कई सारे बोर्ड लगे होते हैं। इसी बॉक्स को आप नाम देते हो सीपीयू। अब बात करते हैं कि ये जो सीपीयू है वो सीपीयू किन किन चीजों से मिलकर बना है, इस सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, इस सीपीयू के अंदर कौन कौन से घटक लगे हुए हैं, सीपीयू की घटक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बताओगे सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? एक नंबर का आप बताओगे SMPS, SMPS फुल फॉर्म ऑफ SMPS, SMPS का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताओगे स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कंप्यूटर के अंदर पावर यानी विद्युत यानी लाइट, लाइट की सप्लाई करने के लिए हमें SMPS चाहिए, यानी जो हमारा बॉक्स होता है सीपीयू, उस सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट एक घटक लगा होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई लगा होता है। एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि ये जो सीपीयू है इस सीपीयू के अंदर कौन सी लाइट सप्लाई होती है? सीपीयू के अंदर कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? आपने फिजिक्स के अंदर साइंस में पढ़ा होगा कि विद्युत धारा एक होती है एसी और एक होती है
डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट डीसी मीन, डीसी का अर्थ है डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। सुमित पुनिया का आंसर आया है कि एसएमपीएस यानी सीपीयू के अंदर डायरेक्ट करंट जो है वो प्रवाहित होता है। देख लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, यानी वो धारा जो इस प्रकार की वेव्स पर काम करते। दूसरी होती है डायरेक्ट करंट, जिसे हम कहते हैं दिष्ट धारा, यानी वो धारा जो सीधी प्रवाहित होती है, जिनके अंदर उतार चढ़ाव नहीं आता, जो इस प्रकार की सीधी वेव्स पर काम करते, उन्हें आप बोलते हो डीसी यानी डायरेक्ट करंट। जो इस प्रकार की धारा जिसमें उतार चढ़ाव आता, उसे आप बोलते हो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये बताओ आप मेरे को कि सीपीयू जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होती है, कौन सी लाइट जो है प्रवाहित होती है। तो आप बता देना कि सीपीयू के अंदर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट प्रवाहित होता है। इसके अलावा एक बात याद रखना दोस्तों, कोई भी डिवाइस हो जाए, जिस डिवाइस के अंदर आपको ट्रांजिस्टर लगे मिलेंगे, जितनी भी डिवाइस हैं जिनके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, वो सारी की सारी डिवाइस डीसी डायरेक्ट करंट के ऊपर काम करते हैं। हमने आपको कंप्यूटर के पहले पढ़ाया था कि जिस टाइम पर कंप्यूटर की पीढ़ियां आई थी, उसमें हमने बताया था कि पहली पीढ़ी के अंदर क्या आया था, दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या आया था, तीसरी पीढ़ी के अंदर क्या, चौथी पीढ़ी में क्या आया था। बताया था कि पहली जो पीढ़ी है उसके अंदर हमें इनपुट देने के लिए ये चाहिए था, हार्डवेयर ये था और सॉफ्टवेयर ये था, यानी मशीनी भाषा हमने पढ़ी थी। सेकंड पीढ़ी में हमने देखा था मैग्नेटिक टेप व ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में हमने देखा था आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। चौथी पीढ़ी के अंदर आपने देखा था माइक्रो प्रोसेसर आया था। और पांचवी पीढ़ी के अंदर आपने देखा था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम आया था। तो जहां जहां ट्रांजिस्टर आएंगे वहां वहां केवल और केवल डीसी यानी डायरेक्ट करंट आएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है साइंस के अंदर, घरों में कौन सी धारा काम में ली जाती है। घरों में कौन सी विद्युत धारा काम में ली जाती है। अल्टरनेटिव करंट काम में आता है कि डायरेक्ट करंट काम में आता है। घरों में काम में ली जाने वाली विद्युत धारा कौन सी होती है, अल्टरनेटिव करंट की डायरेक्ट करंट। तब आप बताओगे कि जो हम घरों में करंट काम में लेते हैं वो करंट अल्टरनेटिव होता है, और इस अल्टरनेटिव करंट को यदि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं, तो वहां पर हमें सीपीयू के अंदर एक डिवाइस मिलेगी एसएमपीएस, सिंपल मोड पावर सप्लाई। ये डिवाइस इस अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज कर देते हैं। याद रख लोगे, पूछा जाता है कि सीपीयू का पहला घटक, तो आप मेन तौर पर बताओगे सीपीयू का पहला घटक जो है वो एसएमपीएस होता है, सिंपल मोड पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है, एसएमपीएस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
तो आप बता देना सीधा सीधा SMPS जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर बदलने का काम SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई करता है। यहां से आपका कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू यानी सीपीयू का एक घटक पूरा होता है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे 2 नंबर। 2 नंबर का घटक आपका रहेगा पोर्ट। और एक होते हैं स्लॉट। एक बार इन दोनों में मेरे को अंतर बता दीजिए कि पोर्ट्स क्या होते हैं और स्लॉट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स व स्लॉट्स में अंतर क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए कि पोर्ट्स व स्लॉट्स में क्या अंतर होता है। पोर्ट्स किन्हें बोलते हैं हम, स्लॉट्स किन्हें बोलते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले कि पोर्ट्स क्या होते हैं तो आप बताओगे जिन खांचों में कंप्यूटर से बाहरी डिवाइस जोड़ी जाती है। जिन खांचों में कंप्यूटर से बाहरी डिवाइस जोड़ी जाती है उन सभी खांचों को हम नाम देते हैं पोर्ट्स का। बाहरी डिवाइस कौन सी? जैसे कीबोर्ड अपने को कंप्यूटर के अंदर लगाना है तो सीपीयू के अंदर आपको एक खांचा मिलेगा, उस खांचे के अंदर आपको कीबोर्ड का तार लगाना, ठीक है, माउस लगाना, हमें स्पीकर चाहिए या कुछ वगैरह वगैरह, अपने को कैमरा वगैरह एक्सेस करना है, तो ये सारी अपने को ऐड करनी है तो आपको पोर्ट्स चाहिए। इसके अलावा एक होता है अपना स्लॉट। स्लॉट क्या होता है? तब आप बताओगे स्लॉट के द्वारा हम आंतरिक डिवाइस लगाते हैं। आंतरिक मतलब जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद, जैसे कि अपने को रैम लगानी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये कंप्यूटर के अंदर पहले से है तो इन्हें हम स्लॉट के अंदर लगाते हैं। तो स्लॉट्स में कोई पूछे तो बता देना स्लॉट्स के द्वारा आंतरिक डिवाइस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, बता देना जो पोर्ट्स होते हैं वे खांचे जिन खांचों के अंदर कंप्यूटर में बाहर से डिवाइस ऐड की जाती है उन सभी खांचों को हम नाम देते हैं पोर्ट्स का। इसके अलावा स्लॉट्स वे खांचे जिनके द्वारा हम आंतरिक डिवाइस जोड़ते हैं। ठीक है, एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे याद है, और क्वेश्चन ये पूछा था रैम, रैम को कौन से स्लॉट्स में लगाया जाता है? रैम को कौन से स्लॉट में लगाया जाता है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस रैम को हम कौन से स्लॉट्स के अंदर लगाते हैं? कौन से के अंदर लगाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट करके बताना कि जो रैम होती है उस रैम को हम कौन से स्लॉट्स के अंदर लगाते हैं। तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना कि रैम को हम 2 स्लॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। पहला स्लॉट होता है अपना सी और दूसरा होता है अपना डी। यानी रैम को लगाने के लिए हमारे सीपीयू के अंदर 2 खांचे पहले से मौजूद होते हैं। वे खांचों के नाम है
या फिर उन सलोट्स के नाम है, एक का नाम सिम और दूसरे का नाम डी। वो वाले सिम नहीं भी जो हम हमारे मोबाइल फोन के अंदर डालते हैं, इस सिम का पूरा नाम ही अलग है। आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ सिम या फिर फुल फॉर्म ऑफ डीएम, सिम तथा डीएम के पूरे नाम क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तब आप बता देना सिम का पूरा नाम सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, सिम का पूरा नाम सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल। या आपसे पूछ लिए डिम का पूरा नाम, तो आप बताओगे ड्यूअल इन मेमोरी मॉड्यूल। सिम व डिम के पूरे नाम, तो बता देना सिम का पूरा नाम सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, डिम का पूरा नाम ड्यूअल इन मेमोरी मॉड्यूल। सिम व डिम होते क्या है, सिम व डिम सलोट्स के नाम है। और सलोट्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे सलोट्स वे खांचे जिनके अंदर कंप्यूटर की आंतरिक डिवाइस लगाई जाती है। आपसे कोई पूछ ले रैम जो है वो रैम कौन से स्लॉट्स में लगाई जाते हैं, तो आप बता देना रैम सिम तथा डिम स्लॉट्स के अंदर लगाई जाती है। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हमें अब थोड़े बहुत कोर्स भी पढ़ लेने चाहिए। आगे देखना कंपटीशन का जमाना है, बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं जिनके अंदर हम एक दो नंबर से रह जाते हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हमने किसी टॉपिक को 70% पढ़ लिया, 80% पढ़ लिया और क्वेश्चन वहां से आ गया जो हमने पढ़ा नहीं, यानी 20-30% में से जो हमने पढ़ा नहीं, तो फिर हमारा 70-80% पढ़ा हुआ बिल्कुल वेट है 0% के बराबर। तो जितने भी टॉपिक कवर करो इतनी प्रकार से करो कि वहां से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। हाँ मैं मानता हूँ कि किसी भी कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, तकरीबन प्रत्येक एग्जाम की मेरिट 100 में से 80 के आसपास रहती है, 80% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यानी 80% वही सिलेबस पढ़ ले हम जहां से अपने नंबर कटने की गुंजाइश ना हो। एक तो हम प्रत्येक टॉपिक को आधा आधा पढ़े 80-80% पढ़े, या फिर जितने भी हमने टॉपिक दे रखे हैं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे उसमें से आप 80% टॉपिक को पूरा क्लियर कर ले जहां से अपने नंबर ना कटे, तो यहां से आपके सिलेक्शन होने की गुंजाइश जो है वो दो कदम और लोगों से बढ़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे हैं 5-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपने 1-2 साल अच्छी प्रकार से प्रॉपर रूप से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता। कारण क्या कि उसने केवल और केवल चीजों को रटा होगा, किसी टॉपिक को पूरी तरह से तैयार नहीं किया होगा और सोचा कि इन इन टॉपिकों को इस प्रकार पढ़ ले। उसके ओपोजिट आपने सिलेक्टिव चीजों को पढ़ा होगा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें हमारे दिमाग के अंदर इनपुट कम देना चाहिए और उसका हमें आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होता है। यानी आपने मान लो कंप्यूटर वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया और आपको पता कि वहां से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका प्रॉफिट है। और आपने कुछ इस प्रकार इतनी चीजों को पढ़ लिया बहुत ज्यादा, 3-4 पूरे के पूरे टॉपिक, पूरे के पूरे सब्जेक्ट, और वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 और 3, तो यहाँ पर आपके दिमाग का इनपुट ज्यादा हो गया और उसका रिजल्ट यानी आउटपुट बहुत कम मिला, तब आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। वरना पढ़े आप भी थे और पढ़ा ऊपर वाला लड़का भी था, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो जाता। कारण यही रहता है कि उसने दिमाग के अंदर इनपुट को कम दिया था और उसका उसे रिजल्ट ज्यादा मिला, बेनिफिट ज्यादा मिला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी, और आपने पढ़ाई ज्यादा की लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम थी। तो सिलेक्शन लेने का एक ही कारण है
कि दिमाग के अंदर इनपुट कम डालो और उसका हमें रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो अच्छा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, चलो इन बातों को छोड़कर आगे चलते हैं, बात करते हैं पोर्ट्स की, हम पोर्ट्स कौन कौन से पोर्ट्स यूज में लेते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड को लगाने के लिए हम कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताना। एक पोर्ट होता है अपना PS/02, PS/02 पोर्ट, तो आप बता देना इस पोर्ट के द्वारा हम कीबोर्ड तथा माउस इन डिवाइस को ऐड करते। पूछा जा सकता है सीधा सीधा एग्जाम में कि हमें यदि सीपीयू से माउस कनेक्ट करना है, कंप्यूटर से माउस कनेक्ट करना है, तो कौन से पोर्ट में हमें माउस केबल को लगाना होगा, तो आप बताओगे हमें PS/02 पोर्ट के अंदर हमें माउस लगाना होगा। एक बात को ध्यान से सुनना दोस्तों कि कीबोर्ड भी है वो भी PS/02 पोर्ट में लगता है, और जो आपका माउस है वो माउस भी PS/02 पोर्ट में लगता है। लेकिन यदि आपने कीबोर्ड वाले तार को माउस वाले पोर्ट में डाल दिया तो वो काम नहीं करेगा। आपको कीबोर्ड जो है वो भी PS/02 पोर्ट में डालना है, लेकिन कीबोर्ड वाले PS/02 पोर्ट में। जो माउस है इस माउस को भी आपको PS/02 पोर्ट में डालना, और कौन सी पोर्ट में, जहां पर नीचे नाम लिखा होगा माउस वाला पोर्ट, तो कीबोर्ड व माउस को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। जहां पर अपना कीबोर्ड लगेगा उसी PS/02 पोर्ट में कीबोर्ड काम करेगा, और जहां पर अपना माउस लगा होगा उसी PS/02 पोर्ट में हमारा माउस काम करेगा। उम्मीद पुनिया ने कमेंट किया है कि अब तो USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट आने लगे हैं। हाँ, लगभग आज के टाइम पर अधिकतर डिवाइस के अंदर USB पोर्ट काम में लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम जो है वो एग्जाम इन बातों को नहीं मानते। अपने को पूछा जाता है कि यहाँ से अपने को पता है एग्जामिनर को कि जो बच्चा है वो किन चीजों के अंदर फंसेगा, तब अपने को पूछा जाएगा PS/02 पोर्ट किस काम में लिया जाता है, तब आप बताओगे PS/02 पोर्ट कीबोर्ड व माउस डिवाइस को कनेक्ट करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद दो नंबर का पोर्ट आपको पढ़ना है VGA पोर्ट, दो नंबर का पोर्ट पढ़ना है आपको VGA पोर्ट, तो आप बताओगे पूरा नाम वीडियो ग्राफिक एरे, VGA पोर्ट। पहले तो पूरा नाम याद रखना कि VGA पोर्ट का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो VGA पोर्ट है इस VGA पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस को जोड़ा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो अपना VGA पोर्ट है इस VGA पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस को ऐड किया जाता है, तो आप बता देना कि इसके द्वारा हम मॉनिटर को ऐड करते हैं, मॉनिटर को जोड़ा जाता है। मॉनिटर क्या हमने बोला था, स्क्रीन। यदि हमें उस स्क्रीन को सीपीयू यानी हमारे कंप्यूटर के साथ ऐड करना, तो सीपीयू के अंदर एक खांचा होगा, उस खांचे के अंदर एक पोर्ट बना होगा, उस पोर्ट को हम बोलते हैं VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट, या कई बार इसे हम विजुअल भी बोल देते हैं, विजुअल ग्राफिक
एरे 4 है, कोई भी नाम लिखा सकता है, ध्यान देखना। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर को। कल आपने मॉनिटर को पढ़ा था, तो बता देना एक बार, मॉनिटर जो है वो मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? बता देना, मॉनिटर जो है वो मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। और याद रख लेना दोस्तों, मॉनिटर को आप VDU भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? वीडियो का पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ वीडियो, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है वो मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस, कल वाली क्लास में पढ़ा था, तो ये बता देना एक बार कि जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के अंदर आप पिक्सल, यदि आप पिक्सल ज्यादा रखते हैं तो ज्यादा पिक्सल रखने पर आपको जो तस्वीर है वो तस्वीर किस प्रकार की दिखाई देगी? यदि मॉनिटर के आपने पिक्सल अधिक रखे हैं, तो अधिक पिक्सल रखने पर, ज्यादा पिक्सल रखने पर जो तस्वीर है वो तस्वीर किस प्रकार की दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है या फिर अस्पष्ट दिखाई देती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जो हमारी मॉनिटर है उस मॉनिटर के अंदर यदि हमने पिक्सल को अधिक रखा है, पिक्सल को ज्यादा रखा है, तो ज्यादा पिक्सल्स रखने पर जो तस्वीर दिखाई देती है वो तस्वीर स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है या फिर अस्पष्ट तौर पर दिखाई देती है? तो आप बता देना, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही क्लियरिटी जो तस्वीर है उतनी ही हमें क्या दिखाई देगी? स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। विक्की डूडी ने आंसर किया है कि जो तस्वीर है वो धुंधली दिखाई देगी। नहीं मेरे दोस्त, जितने आप पिक्सल्स ज्यादा रखोगे उतनी आपको क्लियरिटी जो है वो अच्छी दिखाई देगी। कल मैंने एक बात बोली थी आपको, अब ये जो आपकी वीडियो दिखाई दे रही है आपको, एक तो आप इसे 144p पे देखना और एक इसी वीडियो को आप 480p पे देखना, आपको इसी में यही पर अंतर पता चल जाएगा। कोई भी चीज को थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ एक बार आप प्रैक्टिकल भी करके देख लेना। ये पी का मतलब होता है पिक्सल, और इस 144p के ऊपर आपको तस्वीर जो है वो स्पष्ट दिखाई देगी, किसकी बजाय 480p की बजाय। और इस 480p के ऊपर आपको तस्वीर जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेना, जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतनी ही जो तस्वीर है उतनी ही हमें क्लियर दिखाई देगी, उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट की, और यहां पर हम दो पोर्टों को एक साथ पढ़ेंगे। एक हमारा पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट और एक पोर्ट होता है हमारा पैरेलल पोर्ट। इन दोनों में अंतर देख लेना। एक आप पढ़ोगे सीरियल पोर्ट, और एक आप पढ़ोगे पैरेलल पोर्ट। सीरियल मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो श्रेणीकरण,
पैरेलल आप बोल सकते हो समानांतर करा। ठीक है, अब बात करते हैं सीरियल पोर्ट तथा पैरेलल पोर्ट में अंतर क्या होता है। तो बता देना कि जो सीरियल पोर्ट यानी श्रेणी क्रम पोर्ट जो है, इसमें डेटा ट्रांसफर जो है वो धीमी गति से होता है। यानी यदि आपको डेटा भेजना है, डेटा मतलब कोई टेक्स्ट भेजना है, कोई मेल भेजनी है, कोई वीडियो, कुछ चित्र, कुछ भी आपको भेजना है, वो उसकी स्पीड कम होगी किसकी बजाय, पैरेलल पोर्ट की बजाय। इसमें डेटा भेजने की स्पीड, डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड जो है वो क्या रहती है, बहुत तेज रहती है, ज्यादा रहती है। उसके अलावा सीरियल जो पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर आप एक साथ केवल और केवल एक बिट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पैरेलल पोर्ट में आप एक साथ आठ बिट डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, उसमें आप पढ़ोगे कि आठ जो बिट हैं, इस 8 बिट को हम एक बाइट बोलते हैं, और जो बिट है ये बिट सबसे छोटी मेमोरी होती है। पूछे आपसे कि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो आप बता देना कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी बिट होती है। ठीक है, सीरियल जो पोर्ट है वो पोर्ट एक साथ एक बिट डेटा ट्रांसफर करता है, यानी डेटा को आगे भेजने का काम करता है, जबकि जो पैरेलल पोर्ट है वो एक साथ 8 बिट, और 8 बिट का मतलब होता है एक बाइट डेटा को एक साथ आगे भेजने का काम करता है। इसके अलावा सर हम सीरियल पोर्ट कहाँ काम में लेते हैं और पैरेलल पोर्ट कहाँ पर काम में लेते हैं, तो आप बताओगे यदि हमें डेटा बहुत अधिक दूरी पर भेजना हो, ज्यादा दूरी पर भेजना हो, तब आप क्या काम में लेते हैं, सीरियल पोर्ट काम में लेते हैं। यदि हमें डेटा को कम दूरी पर भेजना है तो आप पैरेलल पोर्ट काम में लेते हैं। विकास राजगढ़ नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। तब आप बताओगे जो सीरियल पोर्ट है जिसे आप श्रेणी क्रम बोलते हैं, इस श्रेणी क्रम के अंदर डेटा ट्रांसफर जो है उस डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो वो कम रहती है। सीरियल पोर्ट जो है वो एक साथ एक बिट डेटा को ट्रांसफर करता है, जबकि सीरियल जो पोर्ट है उस सीरियल पोर्ट को हम अधिक दूरी तक काम में लेते हैं। यदि हमें डेटा बहुत ज्यादा दूरी पर भेजना है, जैसे मान लिया 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतनी दूरी पर भेजना है, तो आप सीरियल पोर्ट काम में लेंगे। इसके ऑपोजिट पैरेलल पोर्ट, इसमें डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफर जो है वो तेजी से होता है, एक साथ आप 8 बिट डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, और 8 बिट से हमारा मतलब है आप एक साथ 1 बाइट डेटा को भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें कम दूरी तक डेटा भेजना है, यानी एक घर से दूसरे घर पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर यदि हमें डेटा भेजना है जो पास पास में रखे, तब आप पैरेलल पोर्ट को काम में लेते हैं। अब बात करते हैं सर हमें पता क्या चलेगा कि कौन सा पोर्ट सीरियल है और कौन सा पोर्ट पैरेलल है, तो देखना दोस्तों सीरियल पोर्ट में आपको 8 पिन लगे मिलेंगे। सीपीयू के जिस पोर्ट के अंदर 8 पिन लगी होती हैं उसे आप सीरियल पोर्ट का नाम देते हो।
जबकि यदि किसी पोर्ट के अंदर आपको 25 पिन लगी मिली, जिस पोर्ट में 25 पिन लगी होती है, उस पोर्ट को आप क्या नाम देते हैं? उसे आप पैरेलल पोर्ट का नाम देते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं अगले पोर्ट के ऊपर, और हमारा अगला पोर्ट रहेगा HDMI, HDMI पोर्ट। पहली बात, फुल फॉर्म ऑफ HDMI, फुल फॉर्म ऑफ HDMI, तब बता देना आप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बता दोगे आप? एच का मतलब होता है हाई, डी का मतलब होता है डेफिनेशन, एम का मतलब मल्टीमीडिया, और आई का मतलब इंटरफेस। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब बात करते हैं कि हम HDMI पोर्ट को क्या काम में लेते हैं। तो यहां पर एक नाम लिख रखा है हमने, मल्टीमीडिया, और आप सबको पता है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। पता नहीं बताओ तो मैं बता देता हूं, मल्टीमीडिया का मतलब कि जहां पर हम ऑडियो तथा वीडियो, ऑडियो और वीडियो को एक साथ देख तथा सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो याद रखना, हमें यदि कंप्यूटर के अंदर ऑडियो भी चाहिए और वीडियो भी चाहिए, इन दोनों को एक साथ आउटपुट के रूप में चाहिए, तब आप वहां पर HDMI पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। बार बार आपसे पूछा जाता है कि हमें मल्टीमीडिया इंटरफेस चाहिए, तो मल्टीमीडिया के लिए हम कौन सा पोर्ट काम में लेते हैं? तब आप बताओगे मल्टीमीडिया के लिए हम HDMI पोर्ट काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट की बात करते हैं, और हमारा नेक्स्ट पोर्ट है मिडी, मिडी पोर्ट। और यहां से हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ मिडी, मिडी का पूरा नाम क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, वरना चलते हैं आगे, क्लास को जारी रखते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ मिडी, मिडी का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ मिडी, तब आप बताओगे मिडी का पूरा नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बता दोगे आप? अब देखना ये पोर्ट कहाँ पर काम में लिया जाता है। अब दो तीन नाम यहाँ पर ध्यान रखना, एक नाम डिजिटल और एक नाम म्यूजिकल। और इंटरफेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यदि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप उस वर्ड को बोलते हैं वो इंटरफेस। अब देखना, कई बार आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, कई बार सॉन्ग्स के अंदर हम देखते हैं कि जो गाने बजाने वाले होते हैं, आजकल वो हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उसकी बजाय दो पतली पतली छड़ियां होती हैं, उनको केवल उन यंत्रों के ऊपर टच करते हैं, और टच करने से उनके अंदर ऑटोमेटिक
साउंड आती है। वो जो साउंड है, जो यंत्र है जिस पोर्ट के अंदर लगते हैं, उसी पोर्ट को हमने बोला है मिडी पोर्ट। म्यूजिकल यानी म्यूजिक, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, म्यूजिक वाले यंत्र, डिजिटल यानी नई तरीके से, इंटरफेस का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, कम्युनिकेशन करना। तो आप बता देना इसके द्वारा वाद्य यंत्र ऐड किए जाते हैं। तो हमें कितने पोर्ट तो अंगुलियों के ऊपर याद रखने हैं, इन पोर्ट में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इन पोर्टों को। हमने पढ़ा है सीपीयू के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तब आप बताओगे सीपीयू के घटक में पहला आपने पढ़ा था एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस जो है वो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। पूछा जाएगा आपसे कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर हम कौन सी विद्युत धारा काम में लेते हैं। तब बताएंगे हम कि कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट करंट काम में लिया जाता है। उसके अलावा मैंने कहा था कि एक लाइन याद रख लेना, जहां जहां भी आपको ट्रांजिस्टर या डायोड लगे मिलेंगे, वहां वहां आप डायरेक्ट करंट काम में लेते हैं। और ये जो एसएमपीएस होता है, ये यही काम करता है कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। उसके बाद में हमने पढ़े थे पोर्ट्स और स्लॉट। एक बार स्लॉट को देख लेते हैं कि स्लॉट के द्वारा आप आंतरिक डिवाइस लगाते हैं। उन सारी खांचों को हमने स्लॉट्स का नाम दिया था। या उसके अलावा हमने पूछा था, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रैम होती है, उस रैम को हम कौन से स्लॉट्स के अंदर लगाते हैं। तब आप बताना कि जो हमारी रैम, उस रैम को हम सिम या फिर डिम स्लॉट के अंदर लगाते हैं। सिम का पूरा नाम सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, डिम का पूरा नाम ड्यूअल इन मेमोरी मॉड्यूल। अब देखना, कई बार आपका जो कंप्यूटर होता है वो हैंग होने लगता होता है, और आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई साहब देखना, ये मेरा जो कंप्यूटर है वो हैंग होने का काम करता है। तब वो दुकानदार आपको बताता है कि इस कंप्यूटर की जो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो कम है, आपको इसकी रैम बढ़ानी चाहिए। तब देखना वो एक रैम और डालता है, और जो दूसरी रैम डाली जाती है वो डाली जाती है डिम स्लॉट के अंदर। जहां पर कंप्यूटर बनते हैं वहां पर जो रैम डली होती है वो डली होती है सिम स्लॉट के अंदर, और यदि हमें नई रैम डालनी है तो डिम के अंदर डालते हैं। फिर यहां बात करते हैं पोर्ट्स की। तब हमने पढ़ा था कि जिन खांचों में कंप्यूटर से बाहर वाली डिवाइस ऐड की जाती है, उन सारे की सारी खांचों को हम नाम देते हैं पोर्ट्स का। पहला पोर्ट हमने पढ़ा था PS/02 पोर्ट। आपसे कोई पूछे कि कीबोर्ड तथा माउस को हम कौन से पोर्ट से लगाते हैं, तब आप बता देना कि कीबोर्ड व माउस को हम PS/02 पोर्ट से ऐड करते हैं। दूसरा VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि यदि हमें मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो हमें कौन सा पोर्ट चाहिए। तब आप बताओगे कि तब हमें VGA पोर्ट चाहिए। फिर हमने 3 नंबर का पढ़ा था सीरियल पोर्ट। तब आपने बताया था कि जो सीरियल पोर्ट होता है ये 8 पिनों का पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट को हम तब काम में लेते हैं जब हमें डेटा को अधिक दूरी पर भेजना हो। इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा भेजने की स्पीड होती है वो स्पीड कम होती है। कितनी स्पीड होती है तो आप बताओगे कि एक टाइम में ये 1
बिट डेटा भेजने का काम करता है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था पैरेलल पोर्ट, समानांतर क्रम। तब आप बताओगे पैरेलल पोर्ट है, ये पोर्ट 25 पिनों का होता है। इस पोर्ट के अंदर डेटा ट्रांसफर जो है वो तेजी से होता है, लेकिन जो दूरी है वो दूरी कम होती है। आप एक साथ 8 बिट या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 बाइट डेटा को आगे भेज सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। इस पोर्ट के द्वारा आपको यदि ऑडियो तथा वीडियो एक साथ चाहिए तो आप कोई भी डिवाइस जो है वो इस HDMI पोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था मिडी पोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। यदि हमें आधुनिक जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो आजकल हम मिडी पोर्ट को काम में लेते हैं। उसके अलावा याद रखना दोस्तों, लगभग आज के जमाने में इन सब पोर्टों की जगह काम में आने लगा है अपना USB पोर्ट। USB पोर्ट, और यहां से आपको फुल फॉर्म ऑफ USB, USB का पूरा नाम पूछा जाएगा। तब आप बताना USB का पूरा नाम यू से बनता है यूनिवर्सल, सीरियल, बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। लगभग आज के टाइम पर जितनी भी डिवाइस है वो सारी एक पोर्ट के अंदर डलती हैं। उस पोर्ट को आप नाम देते हैं USB पोर्ट का। USB पोर्ट 3 टाइप की आती है, 1.0, 2.0, 3.0। सबसे अच्छी क्वालिटी की जो USB होती है वो आती है 3.0। सबसे लो क्वालिटी, खराब क्वालिटी की जो USB है वो होती है USB 1.0। इसी के साथ अपने जितने भी स्लोट्स होते हैं वो सारे के सारे स्लोट्स पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के अगले घटक की। देखना भाई, ये तो हम सीपीयू के घटक पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ा था SMPS घटक, एक हमने पढ़ा था पोर्ट्स घटक, और एक हम पढ़ चुके हैं स्लोप्स घटक। अब अगला 4 नंबर का घटक अपने को पढ़ना है कि सीपीयू का अगला घटक कौन सा होता है। तो आप बता सकते हैं कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो भी सीपीयू का एक घटक होता है, ठीक है। इस मदरबोर्ड जो है होता क्या है ये, तब आप बताओगे मदरबोर्ड जो है वो संचार का एक माध्यम, संचार का एक माध्यम। मदरबोर्ड जो है वो संचार का एक माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर लगे हैं वो ट्रांजिस्टर किसके ऊपर लगे होते हैं, तो आप बताओगे वो सारे के सारे ट्रांजिस्टर जो हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। जितने भी डायोड हैं वो सारे के सारे डायोड मदरबोर्ड से, या जितने भी छोटे मोटे सेल वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, तब आप बताओगे वो सारे के सारे मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। इसी मदरबोर्ड के ऊपर स्लोट तथा पोर्ट लगे होते हैं। बता देना यहीं पर स्लोट और यहीं पर पोर्ट जुड़े होते हैं। यानी एक प्रकार का ये क्या होता है, संचार का माध्यम, एक प्रकार की प्लेट होती है। सारे के सारे जितने भी यंत्र हैं उन सब की इन्हें
माँ कहा जाता है, उन सब की नहीं जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी आप यंत्र ऐड करते हो वो सारे के सारे यंत्र कहाँ पर ऐड किए जाते हैं, तब आप बताओगे मदरबोर्ड। यदि किसी सीपीयू का या फिर बात करते हैं किसी कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो कोई भी डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आगे संचार नहीं होगा, आगे कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो संचार वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो इतनी बातों को याद रख लेना। बात करते हैं कि अगला कंपोनेंट्स कौन सा होता है, सीपीयू का अगला घटक कौन सा होता है। तो दो नाम याद रख लेना, एक आपसे पूरा नाम पूछा जाता है साटा, और एक पूरा नाम आपसे पूछा जाता है पाटा। साटा व पाटा का पूरा नाम क्या होता है, तो आप यहां से बताओगे साटा का पूरा नाम। मंदाना, सीरियल, सीरियल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पूरा नाम याद रख लेना दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ साटा, साटा का पूरा नाम क्या होता है। और इसके अलावा पाटा का पूरा नाम पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा तथा पाटा की फुल फॉर्म याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ साटा या फिर फुल फॉर्म ऑफ पाटा। साटा व पाटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट तथा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये साटा व पाटा के पूरे नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सीपीयू का लास्ट घटक, 7 नंबर का घटक। 7 नंबर का घटक होता है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा लाने और ले जाने के लिए बसें होती, हमें पढ़नी है बस के बारे में। देखना हमारे शहरों के अंदर, हमारे गांव के अंदर बस क्या काम करती, तो आप बताओगे जो बसें होती हैं वो सवारियों को लाने और ले जाने का काम करती हैं। लोगों को भाई एक स्थान से लाकर दूसरे स्थान पर छोड़ती, या फिर दूसरे स्थान से लाकर किसी तीसरे स्थान पर छोड़ने का काम कौन करते हैं, तो आप बताओगे बसें करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर के अंदर भी 3 प्रकार की बसें होती हैं। एक बस होती है कंट्रोल बस, एक बस होती है डेटा बस, और एक बस होती है एड्रेस बस। ये थोड़ा सा नॉर्मल साइज में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक बार आंखों में से निकल जाए तो ऐसा नहीं कि हमने इस वाले चैप्टर में से ये 99% पढ़ लिया, 1% छोड़ दिया। तो आप याद रखना कि जो बस है 3 टाइप की होती है, पहली होती है कंट्रोल बस, एक होती है डेटा बस, और एक होती है आपकी एड्रेस बस। जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, हमने पढ़ा था वो सारा का सारा जो इनपुट है वो इनपुट आप डेटा के रूप में देते हैं। ठीक, उस डेटा को लाने और ले जाने का काम करती है डेटा बस। डेटा को लाने व ले जाने का काम, देखना मैंने बोला था कि डाटा बस जो है वो डेटा को लाने और ले जाने का काम करेगी। यानी आपने कीबोर्ड से कुछ डेटा इनपुट किया,
तो कीबोर्ड से ही डेटा बस जो है वो उस डेटा को लेगी और सीपीयू को दे देगी। सीपीयू के फिर हमने तीन भाग पढ़े थे, एएलयू, सीयू और तीसरा पढ़ेंगे आगे एमयू, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दो नंबर का था कंट्रोल यूनिट। यानी एक जगह से डेटा लेकर दूसरी जगह पर डेटा रखने का काम कौन करता था? कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करेगी? डेटा बस। बाद में इस डेटा को कहीं ना कहीं रखना भी होता है, और जहां जहां डेटा को रखेंगे कोई ना कोई एक निश्चित एड्रेस पर रखेंगे, तो डेटा बस उस डेटा को ले जाकर एड्रेस बस को वो डेटा दे देती है। फिर एड्रेस बस जो होती है वो उस डेटा को एक निश्चित एड्रेस पर रखती है। डेटा को निश्चित एड्रेस पर तो बता देना, एड्रेस बस जो है वो डेटा को एक निश्चित एड्रेस पर रखती है। उसके बाद में तीन नंबर का कंट्रोल बस। अब देखना भाई, हम बस के अंदर जाते हैं, सवारियों के अंदर लड़ाई वगैरह हो जाए, कुछ बातें हो जाए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? बस में एक कंडक्टर होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। और यहाँ पर यदि डेटा लाने और ले जाने में या फिर एक उस एड्रेस के ऊपर रखने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान कौन करता है? कंट्रोल बस करते हैं। आप बोलोगे कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल बस डेटा बस तथा एड्रेस बस। की देख रेख करते इन तीनों बसों के बारे में एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पर आपके जितने भी कंपोनेंट्स और घटक हैं, सीपीयू के जितने भी घटक हैं, वो सारे पूरे हो जाते हैं। फिर से देख लेना दोस्तों, बस कंट्रोल बस डेटा बस और तीन नंबर की एड्रेस बस। जो कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं वो सारा का सारा इनपुट जो है वो डेटा के रूप में इनपुट देते हैं। उस डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? डेटा बस का होता है। उस ट्रांसफर किए गए डेटा को किसी एक निश्चित एड्रेस पर स्टोर करना होता है, एक निश्चित एड्रेस पर रखना होता है। वहां पर तब उस निश्चित एड्रेस के ऊपर रखती है एड्रेस बस। यदि डेटा बस और एड्रेस बस के अंदर कोई कंफ्यूज हो जाता है तो उसको कंट्रोल उसकी देखरेख करने का काम किसका होता है? कंट्रोल बस का होता है। और यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पूरे। अब सीपीयू का अपने को लास्ट पार्ट पढ़ना है, एमयू। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एमयू यानी मेमोरी यूनिट। यहां से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेमोरी यूनिट के बारे में प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहली बात करते हैं भाई, मेमोरी क्या होती है? आप मेमोरी किसे बोलते हैं? तो आप बताओगे मेमोरी हम बोलते हैं भाई स्टोरेज को, स्टोरेज। ता उस स्टोरेज को रखने में कितना टाइम लगता है प्लस एक्सेस टाइम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हमने नाम दिया है मेमोरी का। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, मेमोरी जो होती है, मेमोरी हम बोलते हैं स्टोरेज। कितना हमारे पास स्टोरेज है उसको आप बोलते हो मेमोरी। भाई आप नया फोन लेकर आते हो, आप देखते नहीं क्या 4 64 है, 8 128 हो गई, 12 128 आ गई, इसी को आप नाम देते हो मेमोरी का। ये वाली मेमोरी जो है
वो रैम की तरह काम करती है, और ये वाली मेमोरी ये काम करती है रोम का। यानी इन मेमोरी के पास रैम की बात करें तो 4 GB का स्टोरेज और 64 GB का क्या है स्टोरेज है रोम मेमोरी का। 8128 सेम है भाई, 8 GB जो है वो रैम का स्टोरेज है और 128 GB जो है वो रोम का स्टोरेज होता है। इस प्रकार स्टोरेज प्लस एक्सेस टाइम को आप बोलते हो मेमोरी। और यहां से क्वेश्चन निकल के आता है स्टोरेज के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर मेमोरी कितने प्रकार की। स्टोरेज के आधार पर मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, तब आप बताओगे कि स्टोरेज के आधार पर जो मेमोरी है वो मेमोरी 4 प्रकार की होती है। स्टोरेज के आधार पर मेमोरी जो है वो मेमोरी 4 प्रकार की होती है, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन सी होती है तो आप बताओगे, एक नंबर पर होती है एक नंबर पर आपकी मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी, एक नंबर की बात करेंगे तो आप बताओगे एक मेमोरी होती है हमारे पास रजिस्टर मेमोरी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि 2 नंबर की मेमोरी कौन सी है अपने पास, तब आप बताओगे कि 2 नंबर की जो मेमोरी है वो होती है हमारे पास कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कि 3 नंबर की मेमोरी अपने पास कौन सी होती है, तब आप बताओगे 3 नंबर की जो मेमोरी है वो हमारे पास होती है रैम मेमोरी, और उसके बाद बताओगे 4 नंबर की मेमोरी हमारे पास होती है रोम। ये चारों के चारों मेमोरियों के नाम याद रख लेना। स्टोरेज के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार की मेमोरी आती है। एक मेमोरी है हमारे पास रजिस्टर मेमोरी, 2 नंबर की मेमोरी हमारे पास है कैश मेमोरी, 3 नंबर की रैम मेमोरी और 4 नंबर की मेमोरी हमारे पास होती है रोम मेमोरी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस मेमोरी की स्पीड जो है, किस मेमोरी की स्पीड यानी गति जो है वो सबसे अधिक होती है। कौन सी मेमोरी की गति सबसे अधिक होती है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कर देना, कहीं आप सो तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते। जल्दी से कमेंट बुक के अंदर कमेंट करके बताएं, निम्न 4 मेमोरियों में से किस मेमोरी की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो बता देना दोस्तों कि स्पीड की बात करें तो सबसे तेज जो है वो रजिस्टर होता है। सर्वाधिक तेज मेमोरी जो है किसकी होती है, रजिस्टर की। तो बता देना यहां से रजिस्टर जो है वो सर्वाधिक तेज मेमोरी। गति की बात करें तो सबसे अधिक गति जो है वो रजिस्टर की होती है, उसके बाद कम कैश मेमोरी की, उससे कम रैम की, और सबसे कम किसकी होती है रोम की। सबसे कम किसकी होती है रोम।
यानी स्पीड की बात करें तो आप ये क्रम याद रखना, ऊपर से जैसे जैसे नीचे की साइड आते जाओगे तो जो गति है वो गति जो है कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज, उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज की। इन चारों मेमोरियों में सबसे कम स्टोरेज जो है वो कौन सी मेमोरी के पास होता है, तो आप बताना। सबसे कम जो है रजिस्टर के पास सबसे कम स्टोरेज, और रोम के पास सबसे अधिक स्टोरेज। सबसे अधिक स्टोरेज कौन सी मेमोरी के पास होता है, तो आप बताओगे सर रोम मेमोरी के पास सबसे अधिक स्टोरेज होता है। यानी हम बात करें कि यदि हम इस क्रम को याद रखें और ऊपर से नीचे की साइड आए तो स्टोरेज जो है वो स्टोरेज आपका क्या होगा, स्टोरेज बढ़ता जाएगा। भाई इसमें अपने को कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं। अब देखना दोस्तों, रजिस्टर जो है वो सबसे तेज मेमोरी, क्यों? क्योंकि इसके पास स्टोरेज जो है वो सबसे कम स्टोरेज, सबसे कम स्टोरेज। उसके बाद रोम जो है, रोम सबसे धीमी मेमोरी, क्यों? क्योंकि इसके पास स्टोरेज अधिक। अब देखना स्टोरेज किसी के ऊपर हमने वजन ज्यादा रख दिया तो वजन ज्यादा रखने से उसकी चाल कम होगी कि ज्यादा होगी? भाई उसकी जो गति है वो कम होती जाएगी या फिर गति जो है वो बढ़ती जाएगी? तो सबको पता है दोस्तों, यदि हमने किसी के ऊपर वजन ज्यादा रख दिया तो उसकी गति अपने आप कम हो जाती है। और रोम के पास वजन सबसे ज्यादा है, स्टोरेज सबसे ज्यादा है, तो गति जो है वो सबसे कम हो जाएगी, अपने आप सबसे कम गति हो जाएगी, सबसे कम गति। इसके ऑपोजिट रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी है, कारण क्योंकि इसके पास स्टोरेज जो है सबसे कम है, इसके पास बार तो है ही। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको दो फुल फॉर्म याद रखनी है। पहली फुल फॉर्म होती है रैम। आपसे कोई पूछे कि फुल फॉर्म ऑफ रैम, तब आप बता देना रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम तब आप बता देना रीड ओनली मेमोरी। एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और वो क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी से, जहां से आपसे पूछा जाता है कि रैम वे सीपीयू के बीच, रैम व सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है, तब आप सीधा सीधा बता देना कि जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी रैम तथा सीपीयू के बीच में काम करती है। ठीक, इन्हीं मेमोरी को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं दूसरे तरीके से, और पूछा जाता है कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर टाइप ऑफ मेमोरी, प्रकृति के आधार पर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप बता देना दो प्रकार सर। पहला वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। पहला होता है वोलेटाइल
और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल आप बोलते हैं अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल होता है स्थाई मेमोरी। ठीक है दोस्तों, या फिर आप बोल सकते हैं इन मेमोरियों को आप बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी। या फिर आप नॉन वोलेटाइल को बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इतनी बातों को अच्छी प्रकार से याद रखना कि प्रकृति के आधार पर मेमोरी दो प्रकार के, पहला वोलेटाइल और दूसरा होता है अपना नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी को आप अस्थाई मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आप स्थाई मेमोरी कहते हैं। या फिर आप वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी तथा नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। अब इसके अलावा सर इनमें और क्या अंतर होता है, तब आप बता देना कि जितनी भी वोलेटाइल मेमोरियां हैं, जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी चालू कंप्यूटर है। चालू कंप्यूटर में काम रहते हैं। आप इस मेमोरी के अंदर डेटा को लिख सकते हैं, किसके अंदर, रैम के अंदर। लेकिन रोम में लिखा हुआ डेटा केवल आप पढ़ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो आप बता देना रैम और एक होती है रोम। रैम पूरा नाम बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर आप डेटा को लिख सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर डेटा को आप केवल और केवल पढ़ सकते हैं। ये दोनों की दोनों मेमोरिया किसके उदाहरण है, तब आप बताओगे ये दोनों मेमोरिया वोलेटाइल मेमोरियों के उदाहरण। आपसे पूछा जाए कि जो रैम है वो रैम किस धातु से बनी होती है, तो आप बता देना कि ये जो है अर्धचालकों की बनी हुई होती है। रैम जो है अर्धचालक, अर्धचालकों से बनी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा को आप लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के ऑपोजिट अपने को दो नंबर की पढ़नी है रोम। तो आप बताओगे रोम में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, यानी रोम के अंदर आप डेटा को लिख नहीं सकते, केवल और केवल डेटा पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। आपसे पूछा जाएगा बूटिंग, बूटिंग क्या होती है, तब आप बताना कि बूटिंग जो है पहली बात तो दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और एक होती है हॉट बूटिंग। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड और दूसरी होती है हॉट बूटिंग। यदि हमें बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो कहलाएगी कोल्ड बूटिंग, बंद कंप्यूटर को चालू। यदि हमने बंद कंप्यूटर को चालू किया है तो कहलाएगी कोल्ड बूटिंग। इसके ऑपोजिट यदि हमने चालू कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू किया, यदि हमने चालू कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू किया है तो कहलाएगी हॉट बूटिंग। और ये बूटिंग जो है वो बूटिंग कौन सी मेमोरी में होती है, तब आप बताओगे बूटिंग की क्रिया जो है वो रोम मेमोरी के अंदर होती है। आपसे कोई पूछ ले कि वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं,
अस्थाई मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? तब आप बता देना, सर रैम तथा रोम वोलेटाइल मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसी के साथ ही अस्थाई मेमोरी। आपसे पूछा जाए परमानेंट, सेकेंडरी मेमोरी, स्थाई मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी? तब आप सीधा सीधा बता देना, सर हमारी सीडी, हमारी डीवीडी, हमारी मैग्नेटिक टेप। और इसी के साथ जितनी भी हमारे पास यूएसबी वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास पेन ड्राइव होते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण किसके होते हैं? स्थाई मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं। इसमें डेटा जो है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या रहता है? सेव रहता है। लेकिन यदि आप कोई ना कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और अचानक से आपका रैम के अंदर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर बंद हो गया, तो याद रखना दोस्तों, वो डेटा कभी सेव नहीं रहता। रैम और रोम केवल और केवल चालू कंप्यूटर में काम करते। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा सीपीयू वाला चैप्टर पूरा हो जाता है। कल या फिर बात करते हैं हम अगले शनिवार की मैराथन क्लास को, कोई और नया चैप्टर देखेंगे, बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, बात करेंगे हम इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और कुछ हमारी नेटवर्क है या कुछ वायरस की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे, और हमारा इस प्रकार धीरे धीरे से कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। मैं फिर से कह देता हूँ, जितनी भी हमारी कंप्यूटर की क्लासें आई हैं वो आपके लिए क्या है? एक मैराथन क्लास जो आपको सिलेक्शन दिलाने में, कामयाब करने में, कड़ी मेहनत करने में मदद करेगी। इन क्लासों को बार बार रिवीजन करके अच्छे से नोट्स बना लेना, इनसे बाहर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबका कि आपने इतनी प्यार और मोहब्बत भरी नजरों के साथ हमारी क्लासों को समझा और पढ़ने का प्रयास किया। एक बार फिर से क्लास को बैक करके अपने नोट्स तैयार कर लेना, और आपके जितने भी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीपीयू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे क्वेश्चनों को पढ़ लिया। जैसे ही हमारा कंप्यूटर का थ्योरेटिकल सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में प्रत्येक इन चैप्टरों की मैं आपके सामने क्विज सेट लेकर आऊंगा। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे जो पिछले सालों के अंदर आए हुए थे। धन्यवाद दोस्तों।